बुरो बनाई हो, बुरो मिक्स करके, और अब बनाऊंगी लाडू। लाडू बना मेरा रेडी होगा, अब गणेश के लिए भोग लगाऊंगी। देखो बेटी बनाई है आज, की बनाई बेटा? वो जो एक मूवी में मैंने देखा है। अरे बाबू कितनी सुंदर लाग रही, देख देखो देखो बाबू को भी लगा। राम राम सर, आप सबको स्वागत है आज का ब्लॉग में। आज का ब्लॉग की तो मस्त शुरुआत होगी, शानदार है। और किस होगी आपस जगह देवता याद करा, कोई भी काम कराना शुरुआत करा देना, तो बस शुरुआत करूंगी मैं आज का वीडियो की। तो आप सब ने सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज वो गणेश जी के लिए भोग के लिए बना रही हूँ बेसन का लड्डू। तो मैं आपको वीडियो बनाऊँ थाने, और कि बेसन का लड्डू थाने बता भी इसी बहुत ही अच्छा बना, हिसाब से बना सोना। और आप हर काम में देखो माना गणेश जी के, गणेश जी नहीं माना कोई भी काम कराना, पहले चोट गणेश जी को नाम लेवा, गणेश जी नहीं माना कोई भी भोग लगाओ पहले चोट गणेश जी के लगाओ, कोई भी काम करा। मैं तो आ है कि देखो मैं कोई कपड़ों भी काटूँ या कोई भी ओढ़न तैयार करूँ, कोई भी काम करूँ, तो मैं तो ये भी पहले चोट गणेश जी को नाम लिया करूँ। आप कोई भी प्रसाद बना लियो, लेकिन आप जब प्रसाद बनावा या सड्डम लड्डू बनावा कोई भी मिठाई बनावा, तो गणेश जी को नाम लिया करना कि ये गणेश जी महाराज एकदम बढ़िया बन जाओ, एकदम परफेक्ट बन जाओ। तो देखो गणेश जी ऋषि का दाता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल बोलिया करना जी, यहीं आपने ये हर काम आपने बहुत ही बढ़िया तरीका से करें। तो अपन भी आज गणेश जी को, गणेश चतुर्थी है तो अपन भी आज आपने भी पूरा हक बनाए कि गणेश जी का खुद करा भोग बना के और भोग लगावा और गणेश जी की पूजा करा। तो देखो मैं भी आज, मैं भी गणेश चतुर्थी है तो भोग लगा सी ई वास्ते गणेश जी के लिए बना रही हूँ बेसन का लड्डू। तो देखो एक कमान में डाली हूँ बेसन, और बेसन कमान देखो वो घी डाले हूँ, और अभी कमान आटो लगाई हूँ, थोड़ा हार्ड आटो लगा सी, एकदम सॉफ्ट आटो को लगाऊँ। और एक कढ़ाई कमान में मठड़ी काट दूंगी बेसन वाली, तो एक कमान में घी डाल के रख दी कढ़ाई, और एक कमान और घी मिक्स करके, और फिर मठड़िया को वो आटो गूंथूंगी। और आटो है ना अपन ज़्यादा नरम कौन कर लूँ, एकदम या मतलब सॉफ्ट या हार्ड आटो रखना, सॉफ्ट कौन कर लूँ, सॉफ्ट करें बाद कमान का ही है कि वो मठड़ी बढ़िया कौन बनेगी। तो घी मिक्स करके और एक हमारे पानी डाल के और मुठड़ी बनाऊंगी जी की। देखो मेरे बेसन का आटो लगा के मैं तैयार कर लियो, और बेसन का आटो में मायने ना जो घी गिरा ने, देखो घी ऊपर आएगा वापस, घी गिरा ना देखो बिल्कुल ही कौन चिपका है, न तो परात को भी है मेरी यहाँ बेसन का पिछड़ी है, तो देखो न तो परात के चिपकियो और न मेरे देखो आटा के चिपकियो, पूरा उतर को ये वास्ता अभी की मुठड़ी बनाऊंगी मैं थोड़ा सा तोड़ के। और मुठड़ी तो भी बहुत सारे सब बहना ना आए, दब ये कमान कुछ कौन कौन तोड़ के और अंगुलियाँ कमाई कर दबा के और ये साफ सुरख देनी है जिसको आपने मुठड़ी बन जैसी। और इन हिसाब से मूलियाँ सुइया करा कि आप कच्ची नहीं रहे, पूरी पक कर तैयार हो जाए, तो हम क्यों जरूरी है फटाफट मुठड़ी बन जैसी। और अब निकाल घी कमाइन है, अब देखो मेरी मुठड़ी में घी कमाइन डाल दी बना के, और घी कमाइन पक रही है, और अन थोड़ी मैं उलट दी एक बार, और अन गैस के ऊपर है ना भैया कम आँच पर ही अपन पकानी है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर गए जल्दी कमाइन बाद में कमाइन पकेगी को नहीं बेसन। तो एक बार सन उल्ट दे सूँ और कम गैस पर आराम से सीख जैसी, और मेरा मोरन बढ़िया डेढ़ है तो देखो फाट भी गई बढ़िया तरीका से। तो कम गैस के ऊपर आराम से सेक लिए पक्की कुरकरी बढ़िया बन गई सी शानदार। तो देखो मन मुठड़िया मैंने ये पायन सेकता कम से कम 15 मिनट हो चुकी, और अभी मैं निकालूँ क्योंकि बहुत कुरकरी बढ़िया शानदार कुरकरी होगी एकदम से मस्त वाली। और देखो भैया पूरी फाटकियाँ के अंदर तो ही ना आराम से सीख के और तैयार हुई है, बाकी तुम और दिखा दी सूखी कसी सीखी है आपको कलर बढ़िया चेंज हो, कि मैं ही तो काटू और मैं ही वीडियो बनाऊँ, तो मेरा वीडियो ऊपर नीचे हो रही है से दिख रही हो सी कोई हाथ आ जाओ कई बार, क्योंकि मैं खुद वीडियो बहुत ही कम बनाऊँ ज़्यादातर मेरे या तो बेटी बना दे या नंजू बना नंजू बना दे। तो मेरी कुरकरी होगी और हिंज की भी कच्ची है, अभी मेरी कमाई ने तेल कमाए ने छोड़ दी मुठड़िया। अभी देखो मैं मुठड़ी काट दी, मुठड़ी पीस ली मिक्सी कमाए एकदम बारीक पीस ली, पूरी बारीक पीस ली, और एक कढ़ाई में जब तो एक्स्ट्रा घी हो जाएगा तो देखो मैं इन काट लियो पहला, और एक कमाइन जब तक जरूरत है भी साफ सुखी रख लियो, अगर कम उछता पाओ डाल दे से अब वो मुठड़ी वालों एक कमाइन मिक्स कर सूँ, मुठड़ी वालों जो आटो पीसो बेसन को वो मिक्स कर सूँ। अरे वो देखो मेरे बाबू आए गए वो मन कोई मिक्स करवा दे कोई बात, क्योंकि वो बीच कमाए छोटो रोड रे डालबा के लिए करवा के लिए। तो देख सको कि मैं वो मुठड़ी वालों पीछे वो घी कमाइन डाल के और तैयार कर लियो, और अभी मिक्स करूँगी इन्हें और खिंचाओ। तो देखो थानिया लगे कि आपने मुठड़ी बहुत कम सीखी है, तो गैस पर इस हिसाब से थोड़ी देर के लिए और सेक सको, लेकिन मेरी मुठड़ी एकदम बढ़िया ही कुरकरी उड़ी बिल्कुल भी कम गोनी, कोई कलर कुछ ही कुंडल उड़े एकदम बेसन में मुठड़ी काट के भी हिसाब से पीस कर और घी कमाने अरे मिक्स कर लियो। अभी कमाए मैं नारियल को बुरा दो थोड़ा सो घी कमाए मिक्स में पीसी, और इलायची या गिट हो गिट में पीसी और इलायची और डालूंगी, क्योंकि अर्थे ड्राई फ्रूट भी डाल सको और भी अच्छा लाग सी, मैं ड्राई फ्रूट की बच्चा के लिए डालू को नहीं कि मेरे पास बेटी निकाल निकाल कर फेंके काजू रावे बीच बीच कमाए बादाम मजरा मन फेंकती रहे वह खाए को नहीं, तो भी का चक्कर में मैंने ड्राई फ्रूट कौन डाले इलायची डाली, इलायची सुई हुआ ज़्यादा बढ़िया,
और नारियल को बुरा दो, वह नारियल का लड्डू खाए ना नारियल को बुरा दो, भाई कमाई मिक्स कर ले सो। और फिर कमाई में बूरो डालूंगी चीनी की जगह, चीनी है मतलब ये चीनी को ही वो बुरा हुआ है, वो बूरो डालूंगी कमाई और फिर लड्डू बांध लेंगी। अभी देखो मैं सारो एक कमाल चीज़ मिक्स कर ली, बूरो बनाई बूरो मिक्स करके और अब बनाऊंगी लड्डू। लड्डू बनाया मेरा रेडी होगा, अब गणेश के लिए भोग लगाऊंगी। तो तुम रेसिपी बता दी, लेकिन मन ये लगा रेसिपी तो इतनी लंबी हुई जिससे हमारा ब्लॉग में तो रेसिपी आती थी कि एक तो बढ़िया। देखो मस्त आराम से लड्डू बन रहे हैं शानदार। तो ये कैसे सुमन जी बनाया, लेकिन मन तो चल रहा है लेकिन बना देख जी एकदम बढ़िया बनेगा। और भैया बनी कि आपने खाई हुई कि बेसन एक मान मुठड़ी बनावा ने एक सबसे बढ़िया है एक मान चीता हुए कि ए गला के चिपके को नहीं। जी आप बेसन का लड्डू कही देखा, मेरे को घर पीछे बेसन है तो बीह भी गला के चिपके को नहीं। और फिर मुठड़ी नहीं बना के आप बीह भी बना सका बेसन मतलब सेक लेने ना, अभी कमान थोड़ा सा दूध को छाटो देखा है और दूध थोड़ा सा डाल के भी साफ सुफा कहीं खुल जाए बाद में फूल जाए दाना सब जाए ना बीह भी बना सका। अब ठीक जाओ जी हाँ कुछ भी डाल सको, मेरा लड्डू बनकर हो जाए तैयार। अब मैं दोनों हाथों से बना लूँ क्योंकि वीडियो ना बंद करूँ कि एक हाथ से बता सही बैठ रहे हो नहीं मारूँ। मम्मा कर रही है पूजा गणेश जी की। देखो बेटी बनाई है आज की बनाई बेटा, वो जो एक मूवी में मैंने देखा है जब कृष्ण जी थे बारिश आ रही थी तो जो स्नेक थे ना तीन मुख वाले है ना उन्होंने प्रोटेक्ट किया कृष्ण जी को, इसके अंदर कृष्ण जी सो रहे थे वो। अच्छा देखो मानना ज्यादा हमारी बेटी ने ध्यान है। देखो के बनाई कुत्तो सुंदर बनाई, कैसे बनाई बेटा क्लिस बनाये तो प्यारो। देखो मेरे हाथ पर दिमा भी देखो तो सुंदर बनाई तो मस्त बनाई आज खुश रही बेटी। कतो टाइम लगी बेटा बनावे, बहुत सुंदर बनाए बेटा, मस्त बनाए बहुत अच्छे बनाए। अब आनंद जी देखो मेरा आएगा ड्यूटी पर जाकर एक YouTube चैनल लोग हो मन भी लाग रही पसंद आगा टोपा पटन और काम कर लियो बेटी उम्र भी कर लियो ना उम्र के बाबू गणेश तो क्या करो तो यार गणेश क्या गणेश का हाथी की है ना हाथी की सूट लग रही हाथी को मुंह लग रहा है ना हम जाए ना हाथी की गणेश की स्टोरी जाने का तो कैसे लगा बता बता गणेश को मुंडो या हाथी की सूट दी जाने क्या करता बता इधर देख पार्वती मैया ने बनाया गणेश जी को है ना फिर बोला बाहर वेट करो मेरा किसी अंदर मत आने देना शिव जी भगवान है तो गणेश जी उनको नहीं जानते थे उन्होंने मना कर दिया अंदर आने से तो शिव जी भगवान को गुस्सा आ गया उन्होंने त्रिशूल फेंका जिससे वो ऐसे ना करते निकल गई तो फिर उन्होंने बोला किसी बच्चे का मुख ढूंढ के लाओ बच्चे ने बोला हाथी के बच्चे का मिला तो फिर वो लिए और ऐसे लगा दिया भी बच्चा की गर्दन लेकर आनी है जगह की माँ पीठ देकर सो रही है तो बस सारी जगह कोई भी जानवर कोई भी चीज कभी मापीट देकर सोती है सब जगह घुमाया या कि कोई जगह खुला दी जगह मापीट देकर सोती है आपका बेटा मुंह करके सोती है बाकी कोई की बोले एक खाद दिया ना एक हथ नहीं बात नहीं आएगी आपका बच्चा का पीठ देकर सोती और बच्चों पीछे सो रहे भी पीछे लाकर लगा दी वास्तव गणेश जी की सूंढ रही हाथी को बच्चे की लगी रही गणेश जी ने की बाबड़े जान बाबू तेरे भी लगे थे अरे बाबू कितनी सुंदर लाग रहे देख देखो बाबू को भी लगा दी बाबू हाथी कैसे खड़ा है एलिफेंट कैसे खड़ा है तो देखो बच्चा मेरे भी बेटी भी जाना है थोड़ा सा दिमाग से देखो आप बोले मम्मी तो लंबो बता सुना स्टोरी इतना वीडियो लंबो जैसी नहीं कहा टेंस नहीं की चक्कर मैं शॉर्ट में बताई लेकिन देखो बच्चा भी जाना है यार चीजा बहुत सुना देवता की कृष्ण जी का वीडियो बोले का शंकर भगवान का गणेश जी कार्तिक का बोल रहे मम्मी बाबू तो गणेश जी मैं कार्तिक हूँ बच्चा ने सबने ज्यादा चीजें ध्यान भी रखना चाहिए तो अभी देखो हर बताई बच्चा के साथ में एंजॉय करियो बहुत बढ़िया आज को दिन बीते हो तो देखो वीडियो को खराब एंड टाइम वीडियो को सब लगे बता दीजिए कमेंट करके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दियो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर जाओ।
राम राम साई।